क्या मन्नत था जो पूरा हो गया आपका? नहीं ऐसा कोई नहीं। तो आप लोग सावन के महीना में ही ये दंडवत? हाँ दंडवत देते हैं। हर हर महादेव बोलबाम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल में। और ये देख लीजिए झारखंड का बॉर्डर रहा, और अभी हम लोग झारखंड में हैं। इधर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारे भक्त यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ से जो है झारखंड से आप बिहार जब प्रवेश करेंगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार गेट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सामने बिहार का गेट है। और चलिए अभी हम लोग जो है बिहार प्रवेश करते हैं। कांवरिया जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आइए इन लोग से जो है जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं कि कैसा इन लोग का जो है यात्रा रहा और यहाँ तक आगे हैं तो क्या क्या सुविधा जो है बिहार में अभी दिया जा रहा था, वो चीज़ भी जो है जानकारी हम लोग सभी लेंगे। इधर आप देख लीजिए यहाँ पे जो है कांवरिया सेवा शिविर जो है ये लगा हुआ है, और अभी जो है इसमें सेवा वगैरह आपको मिल रहा है। इधर आप देख लीजिए इधर जो है दुकान वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, हर जगह पे जो है आप रुक सकते हैं। यहाँ पे जो है राजा होटल रेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं। और आइए हम लोग से जो है जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं। इधर जो है पर्यटक सूचना केंद्र है, आप देख सकते हैं, जो कि बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जो है यहाँ पे बहुत सारा महिला बम आ रहे हैं, इन लोग से बातें करते हैं और जानते हैं। बम जी बोल बम, कहाँ से हैं बम जी? बलिया जिला से। काफ़ी सारे कांवरिया जो है इधर आ रहे हैं, देख सकते हैं। और आइए और सारे बम लोग से जो है अभी हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर आप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहे हैं। पूरा एकदम गर्मी में पसीना पसीना हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और सारे इधर महिला बम आ रहे हैं, इन लोग से भी जो है बातें और अभी हम लोग करेंगे। अभी आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक और जानते हैं इन लोग से। बोल बम, कहाँ से हैं बम जी? बलिया जिला से है ना? सब। कितने लोग आए हैं आप लोग? 22 लोग। 22 लोग। तो ये आप लोग का पहली बार है या फिर इससे पहले आए? तीसरी बार है। हाँ। सुविधा वगैरह बिहार में कैसा था? ठीक है। हाँ। गोड़ियारी नदी में पानी वगैरह अभी आया है? थोड़ा बहुत। ये बोल बम, अभी देख सकते हैं ये लोग झारखंड जो है यहाँ से अभी प्रवेश करेंगे। और कहाँ से आप लोग बम जी? हम लोग बेगूसराय से आ रहे हैं। बेगूसराय से? कैसा रहा आप लोग का यात्रा? बहुत अच्छा, मैंने कि बाबा का नगरी हम लोग जा रहे हैं और बहुत ग्रुप में हैं, और जय श्री राम करते रथ यात्रा के साथ हैं। तो कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 300 के करीब हैं। 300? हाँ। वो शायद रथ आगे निकल। हाँ, रथ यात्रा हम लोगों ने देखा अभी। और यहाँ तक आने में बम जी कितना दिन लगे आप लोग? यहाँ हम लोग को पहुँचने में कई तारीख को जो रहे हैं 6 दिन लगा सुल्तानगंज से। सुविधा जो है बिहार में भी कैसा दिया जा रहा है? बहुत सुविधा है बिहार में भी, बहुत अच्छा। तो अगर आप लोग रात में चलते होंगे तो लाइट वगैरह है? हाँ, पूरा लाइट का सगरो व्यवस्था था, लैट्रिन बाथरूम ठहरने का भी सरकारी धर्मशाला बहुत अच्छा सब व्यवस्था था। बिहार सरकार के व्यवस्था से हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। अभी जो है आप लोग झारखंड प्रवेश करेंगे, और झारखंड में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुविधा भी मिल रहा था। चलिए देखते हैं, आप लोग देखेंगे झारखंड में ही कैसा व्यवस्था है झारखंड का। चलिए हर हर महादेव बोल। हर हर महादेव। यस। इधर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दंडवत यात्रा करते हुए बम जी आ रहे। कितना दिन लगे बम जी आपको? आज 25 रोज लगे। 25 दिन ना, तो कैसा रहा इस बार का यात्रा आप लोग का जो है दंडवत यात्रा? बहुत अच्छा रहा। कितने साल से बाबा आप आ रहे हैं? 2 साल हुआ है। क्या मन्नत था जो पूरा हो गया आपका? ऐसा कोई नहीं। तो आप लोग सावन के महीना में ही ये दंडवत? हाँ, दंडवत देते हैं। तो देख सकते हैं बाबा यहाँ तक पहुँच गया, और कैसा अनुभव रहता है इसमें? तो बहुत आनंद आता है। तो आप लोग बाबा धाम आते हैं, उसके बाद बासुकीनाथ भी चलते हैं क्या? नहीं, बाबी धाम। बाबा धाम से? तो आप कहाँ के रहने वाले बाबा? हम सहरसा जिला के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं, चलिए बाबा बहुत अच्छा आपका जो है जो भी मनोकामना है भोलेनाथ पूरा करें। हर हर महादेव। कौन चैनल है? ब्लॉगिंग अजय। ब्लॉगिंग अजय। हाँ हाँ हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस प्रकार इनका दंडवत यात्रा जो है अभी हो रहा है। देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ इनका हर एक मनोकामना पूरा करे। बोल बम, कहाँ से हैं बम जी? बोल बम, छपरा। छपरा से हैं? हाँ जी। बम जी कितना दिन लग गया? ये तीसरा दिन पहुँचने में लग गया। तीसरा दिन ना? हाँ जी। कितने साल से आ रहे हैं बम जी? तीसरा साल है जी। तीसरा साल है। चलिए बोल बम, आप देख रहे होंगे किस प्रकार बम लोग लगातार जो है अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखे हैं। और बहुत सारा कांवरिया जो है 10 साल से, 5 साल से, बहुत सारा 3 साल से, कोई कोई पहली बार भी आते हैं, तो काफ़ी उन लोग को जो है यात्रा में अच्छा रहता है, कोई भी दिक्कत इन लोग को नहीं होता है। यहाँ पे जो कि दंडवत यात्रा जो है कर रहे थे उनसे जो है अभी जानकारी वगैरह हमने प्राप्त किया कि कुछ इस प्रकार इन लोग का यात्रा होता है, और ये इनका जो है दूसरा साल है। ठीक है, तो देख लीजिए आप पूरा यहाँ का दृश्य। और चलिए
तो दोस्तों अभी दुम्मा बॉर्डर का पूरा लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक शेयर किया, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, और इसी प्रकार रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर रहे हैं। चलिए बोल बम, हर हर महादेव।